शिवा मेरे एडवेंचरस एपिसोड देखो जियो सिनेमा पर, वो भी फ्री में। सुनो, यहाँ कहीं मेडिकल स्टोर है? हाँ, आप आगे वाली चौक से राइट ले लीजिए, वहीं पर है। कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा? कैसी बात करते हो, दवाइयाँ नकली हैं, मगर एकदम असली की पैकिंग में दी हैं। टकाटक, कंपनी का मालिक भी पहचान नहीं पाएगा कि ये नकली दवाइयां हैं। सब तुम्हारी नकली दवा की वजह से हुआ। हेलो लड्डू सिंह जी, चौड़े रोड पर एक महाबली ने तूफान मचा रखा है, वो सब गाड़ियां और दुकानों को तोड़ फोड़ रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मेरे इलाके में महाबली, मुझसे बड़ा महाबली कौन हो गया? आई, मेरा नाम लड्डू सिंह ऐसे ही फेमस नहीं हो गया है। चलो सर, जल्दी चलकर उस महाबली को ढूंढते हैं। हाँ हाँ, ढूंढते हैं। तुम चिंता मत करो, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक मेरे डर के मारे कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा तक नहीं आता। मैं अभी जाकर उस महाबली को चींटी की तरह मसल दूंगा। आज मेरा कॉन्फिडेंट लेवल आसमान छू रहा है, मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। सर, हम हवा में ही है, आप एक बार पीछे देखो। क्या बात कर रहे हो पेड़ाराम, मैं और पीछे,
अरे अरे ये क्या चीज है भाई, यही महाबली है क्या? यही है महाबली। कौन में खेल रहे हो? हमें उतारो। अरे अरे कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, हमें बचाओ। शहर के बाहर ले जाने की कोशिश करता हूँ ताकि शहर में नुकसान कम हो। ओके, ठीक है शिवा। महाबली यहाँ पहाड़ों के टर्नल में फंस गया है। आप फोर्स लेकर आ जाइए और उसे अरेस्ट कर लीजिए। ओके शिवा, मैं अभी फोर्स भेज के उसे अरेस्ट करवाता हूँ।
तो उसे एक टनल में कैद कर दिया था, लेकिन जब हमारा फोर्स वहाँ उसे अरेस्ट करने गया तो वो वहाँ नहीं था। टनल खुली हुई थी। तो क्या सचमुच उसे पकड़ा जा सकता है या नहीं? अभी इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक आदमी कैसे महाबली बन गया, इस बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर सोडी। देखिए, मुझे एक मेडिकल स्टोर वाले ने बताया है कि ये सब एक नकली दवा के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। हाँ, और वो केमिस्ट वाला पकड़ा गया दोस्तों, उसने महाबली के डर से खुद ही सरेंडर कर दिया और पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है। अब समस्या ये है कि महाबली पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसे वापस कैसे फिर से आम इंसान बनाया जाए। क्या इसका कोई जवाब है आपके पास डॉक्टर सोडी? देखिए, अभी हम इसका कोई एंटीडोट तो नहीं बना पाए हैं। नकली दवा के रिएक्शन की वजह से उसके दिमाग में एक तरह का फीवर यानी कि बुखार चढ़ गया है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में है। जैसे कि ज्यादा बुखार होने पर हम ठंडे पानी की पट्टियां सिर पर लगाते हैं, उसी तरह अगर किसी तरह से महाबली का दिमाग ठंडा कर दिया जाए बर्फ से या ठंडे पानी से या किसी ठंडी जगह ले जाके, तो उसका गुस्सा भी ठंडा होके शांत हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ध्यान से देखते रहिए आगे क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा बेताब सिटी न्यूज चैनल। लेकिन उसका गुस्सा ठंडा कैसे किया जा सकता है? वेरी सिंपल। मेरे गांव में एक पहलवान बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहा था, तो मैंने उसके सर पे एक बर्फ की सीली उठाकर दे मारी और वो बेचारा ठंडा होकर शेर से बिल्ली हो गया। ए जक्कूमल, फेकू चंद, ये फेंकना बंद कर, यहाँ गंभीर मसले पे विचार चल रहा है। है तो फेंका हुआ पर आइडिया है लपकने लायक। मतलब टीवी पे एक साइंटिस्ट भी यही कह रहा था कि अगर महाबली का गुस्सा ठंडा कर दिया जाए बर्फ से या ठंडे पानी से, उसका गुस्सा शांत हो सकता है और वो नॉर्मल हो सकता है। अब सुनो, मैं उसे किसी तरह से वेदास आइस फैक्ट्री ले आता हूँ, तुम सब वहीं तैयार रहना। भागो 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 भागो, महाबली से बचाओ, तुम्हें मारेगा। हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे चैलेंज करो। अरे ऐसे खाली पेट मत दौड़ो, थक गए होंगे। लो थोड़ा नाश्ता कर लो। मैं उसे लेकर आता हूँ, तैयार रहना। ओके। हेलो लड्डू सिंह जी, शिवा महाबली को वेदास आइस फैक्ट्री ला रहा है, आप यहाँ जल्दी आइए। ओके रेवा, मैं अभी आता हूँ। Ah! Ah!
आ गया रेवा, शिवा कहाँ है? वो अंदर है, जल्दी जाके उसकी मदद करिए। करूँगा, जरूर करूँगा, पहले उसे महाबली को ट्रैप तो करने दो। सॉरी, डोंट माइंड, आपके गुस्से को ठंडा करने का यही तरीका है। हेलो लड्डू सिंह जी, हमने महाबली को ट्रैप कर लिया है। क्या कह रहे हो? अरे वाह शिवा, मैं आ रहा हूँ शिवा, उसे अरेस्ट करने के लिए। हाँ जल्दी आइए, उसे अरेस्ट कर लीजिए। इधर है, किधर है? अब नहीं छोड़ूंगा, उस महाबली को नहीं छोड़ूंगा। वो रहा, आइस लैब बन के खड़ा है। यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या शिवा, ये तो चीटिंग है, तुमने मुझे फिर फंसा दिया। बचाओ। अरे इसका गुस्सा तो ठंडा हो रहा है, अगर इसे थोड़ा और ठंडा किया जाए तो ये ठीक हो सकता है। अंकल, अब मेरे आइस पार्टिकल्स का मुकाबला करो, मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। रेवा, आदि, यूदी, जल्दी आओ, इस आइस ब्लोअर में आइस भरो, जल्दी जल्दी। अरे ये तो स्नोमैन बन गया। हाँ, अब शायद इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ये महाबली कहाँ गायब हो गया? अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे ये तो नॉर्मल हो गया। वहीं रुक जाओ वरना बहुत पिटोगे, और जरा एक नजर अपने पर भी तो डाल दो। अरे अरे मैं तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। थैंक यू, मैं ठीक हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा? आप लोगों ने मुझे ठीक कर दिया, लेकिन वो केमिस्ट वाला कहाँ गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपने उसे छोड़ा भी नहीं, ऐसा फेंका है कि अब कभी नकली दवाई नहीं बेचेगा। अरे कोई मुझे तो निकालो। महाबली जी, अब एक मुक्का मार के इस आइस लैब को तोड़ो। नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं, अब मुझे चोट लग जाएगी, तुम ही जानो। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। अब बताओ वो महाबली कहाँ है? मैं उसके आने से पहले ही भाग जाना चाहता हूँ, बताओ। लड्डू सिंह जी, मीट महाबली जी, महाबली जी, मीट लड्डू सिंह जी।
सॉरी लड्डू सिंह जी, मुझे मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा था। ये महाबली है। पहले पता होता तो कान पकड़ के जेल में डाल देता। मैं हूँ मोटो और मैं हूँ पतलू। जियो सिनेमा पर देखिए हमारे एपिसोड वो भी फ्री में। डॉक्टर छक्का, ये चोर चोर की आवाज कहाँ से आ रही है? ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, आवाज तो इसी तरफ से आ रही है। तुम लोग कान खोल के सुन लो, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। वो हमारा दोस्त है, नहीं बताऊंगा। उस चोर ने क्या कहा? वो चोर था। अच्छा, उसने कहा, मैं बोलता हूँ तुम लोग कान खोल के सुनो, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। वो हमारा दोस्त है, नहीं बताऊंगा। मारो, चोर इनका दोस्त है। उड़ी बाबा, वो लोग हम को क्यों मारा? ओए कसम मेरे मरीजों की, सुबह सुबह मार खाना अच्छी बात नहीं है, दिन भर मार पड़ेगी। तुम लोग कान खोल के सुन लो, वो हमारा भाई है। एक बार बोला ना, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। फिर पूछा तो कान के नीचे दूंगा। चोर, चोर! वो चोर तुमसे फिर कुछ कह रहा था, क्या बोल रहा था जल्दी बताओ। मैं बोलता हूँ तुम लोग कान खोल के सुन लो, वो हमारा भाई है। एक बार बोला ना, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। फिर पूछा तो कान के नीचे बजाऊंगा। मारो, इनका भाई है वो, मारो मारो। ओए यार, ओए ओए, मार सुटिया पापड़ वाले नू है। लोग सुबह सुबह दूध जलेबी खाते हैं और हम मार खा रहे हैं यार। मेरे चश्मे का फ्रेम ही टूट गया। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब फ्रेम कहाँ से लाऊं? एक पैसा नहीं जेब में। ओए पतलू मेरे यार, मेरे पास खूब चश्मे हैं। सच? मेरे परदादा को चश्मे इकट्ठे करने का बहुत शौक था। उनके पास कई सालों से इकट्ठा किए हुए चश्मे थे जो मेरे गोडाउन में रखे हैं। और जाओ यार, और जो पसंद आए उसका फ्रेम निकाल लो। थैंक यू डॉक्टर झटका। क्या पता बॉस, लड्डू पतलू जैसा रहा है। पतलू ही है तो बिल्कुल ना घबराओ, फैन को अपनी तेजी से चलाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। कविता के बच्चे, कविता छोड़ो, फैन चलाओ। लाइट कैमरा एंड एक्शन। ये तो सुपरमैन है या जादूगर है। भागो! फैन कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ। कोई शक? कोई शक नहीं। बैग भारी लग रहा है, अगर मैं ले लूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं? जी नहीं, हर किसी नहीं। क्या हो? लाइट कैमरा एक्शन। क्या हो? नेम इज चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बोलो तुम क्या चुराया रे? हमने कुछ नहीं चुराया, पतलू हमारा सारा पैसा लूट के ले गया। पतलू ने तुम्हें लूटा? यकीन नहीं होता। जी सर, वो पतलू ही था। वो जादू करता है, वो कुछ भी कर सकता है, एकदम सुपरमैन बन गया है। दो बैग भर के थे, अभी अभी बैंक से लूटे थे। क्या?
ये कार कहाँ से लाए? खरीदी है, चलो घूमने चले। लेकिन इतनी महंगी कार खरीदी कहाँ से? पैसे कहाँ से आए? रुपए आसमान से आए। ऐसे मैं बताता हूँ, जॉन ने बैंक लूटा और इसने जॉन को लूटा। तुम्हारा दोस्त लुटेरा बन गया है, ये पतलू नहीं हो सकता। सच सच बोलो, तुम कौन हो? बोलो 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 बोलो। मैं हूँ रूपी रानी और चोरों का राजा। सब पतलू, जरा सब हिले तो गोली मार दूंगा। नो नो प्लीज, गोली मत मारना, गोली मत मारना प्लीज। आई एम रेडी टू शूट। बॉल्स आइज 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 60 में से टोटल 50 पॉइंट। नॉट बैड, अब हवा में फायर करो। 5 बुलेट्स एंड 10 कोकोनट्स। तुमको हवा में ही फायर करना चाहिए। टल्ली हूँ, बाय बाय। इसका मतलब मेरे दादा ठीक कहते थे, मैं ही नहीं मानता था यार। क्या? वो कहते थे मेरे पास एक चमत्कारी चश्मा है, उस चश्मे को पहनने से इंसान के अंदर छुपा हुआ शैतान बाहर आ जाता है और इंसान कुछ भी कर सकता है। लगता है पतलू को गलती से वही चश्मा मिल गया है। उड़ी पापा, फिर तो वो चश्मा हमें पतलू के चेहरा से उतारना होगा। चिंगम के चंगुल से बचना छोड़ूंगा नहीं उसे। ओए वो चश्मा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। ओए मेरे पास एक ऐसी गन है कि वो चश्मा खींच के निकाल सकती है। चलो सब पतलू को ढूंढो। वो चश्मा मुझे मिल जाए तो दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। आहा, मैं तो हीरो बन गया। मेरे फैंस मेरे पीछे पड़े हैं। लगता है फैंस को फैन बनाने का टाइम आ गया है। ये रुक क्यों गया? भारत माता की कसम, छोड़ूंगा नहीं। Stop in the name of law, तुम्हें कानून की कसम। अरे कहाँ फायर कर रहे हो? वो मोटो क्या निशाना लगाया है? आई अम्मा, क्यों निशाना लगाया? भागो! हम उल्टा ड्राइव कर रहे हैं। उल्टा? हाँ, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा। उल्टा सीधा उल्टा सीधा। याहू, लाइट्स कैमरा एक्शन। बचाओ बचाओ, इसने मेरे सारे जेवर लूट लिए, बचाओ। ओ पतलू, हमें मजबूर मत करो। मैं चाहूँ तो इस गन से तुम्हारा चश्मा खींच के निकाल सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम खुद ही चश्मा उतार दो। ये है जिंदगी। पतलू को बातों में फंसा के पास ले आओ और फिर हम उस पे ये गन चला देंगे। ओके बड़े भैया, पतलू तुम अच्छे इंसान हो, अपना चश्मा उतार दो। पहले तुम थोड़ी हवा आने दो। लाइट्स कैमरा एक्शन। हाँ?
पकड़ के रखा है। अगर छोड़ दिया तो पत्तू भाग जाएगा। मेरा चश्मा कहाँ है? अच्छा हुआ वो चश्मा उतर गया, लेकिन वो चश्मा है कहाँ? वो देखो वो रहा। At your own risk. वाह! पहले तो इतना सब यहाँ रख के लालच दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि कुछ भी खाना मना है। अरे इतने बड़े समोसे फिर कब खाने को मिलेंगे? आह मजा आ गया। कौन है ये बदतमीज? रुको, छोड़ूंगा नहीं। ये जलेबी तो सीधी साधी दिखती है, इसे खा लेता हूँ। बेशरम बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, अभी मजा चखाती हूँ। भागो! सपना था क्या? क्या सपना देखा? यकीन नहीं हो रहा। हर तरफ समोसे मिठाई, वाह 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 वाह, लेकिन हम एक भी खा नहीं सकते। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे मिठाई की दुकान में बैठे हो, हर तरफ मिठाई है लेकिन खा नहीं सकते। मिठाई की दुकान का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, अगर तुम दोनों खोल रहा है तो हम मदद करेगा। मेरा बस चले तो आज ही मिठाई की दुकान खोल दूं, लेकिन पैसा कहाँ है? पैसा डॉक्टर झटका देगा, हम उसे अपना पार्टनर बना लेंगे। काम हम करेंगे और पैसा सब कमाएंगे, मंजूर? ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो दुकान खोलते हैं। तो दुकान खोलते ही किसी पार्टी के लिए 1000 समोसे और मिठाइयों का ऑर्डर मिला है। आज तो लकी डे है, लेकिन तुम खुद पे कंट्रोल रखना, यहाँ बैठ बैठ के खुद ही नहीं खाने लगना। तुमने मुझे इतना कमजोर समझा है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मन करेगा और मैं इस तरह समोसा उठा के खा जाऊंगा? और ये लड्डू उठा के उसे ऐसे खा लूंगा? नहीं नहीं मेरे दोस्त, बस बहुत हो गया, अब हाथ भी लगाया तो देखना। क्या सोच रहे हो, तुम्हारी ही दुकान है, जो खाना चाहो खा लो, कौन रोक सकता है? नहीं नहीं ऐसा मत करना, अपनी मिठाई खुद ही खा लोगे तो नुकसान होगा। अरे तुम खाओ जी, मैं इसे देखता हूँ। हाँ हाँ यही ठीक है, जब दुकान मेरी है तो मैं क्यों नहीं खा सकता? तुम नहीं सुधरोगे, चलो काउंटर से हटो, हटो अभी। मेरी दुकान और मैं ही नहीं खा सकता, ये तो नाइंसाफी है। मोटू तुम ऐसा करेगा तो धंधा कैसे चलेगा? अरे तुम कस्टमर को सर्व करो और काउंटर पे हम बैठता है। हुँ। 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 हुँ।
मुझे एक प्लेट समोसा देना। एक प्लेट में क्या होगा सर जी, हमारे समोसे दुनिया भर में मशहूर है। दो प्लेट ले लीजिए। अच्छा दो प्लेट देना। ओए मोटू तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, एक की जगह दो प्लेट भेज दी। एक मिनट, कहीं आपके दिल में ये ख्याल तो नहीं आ रहा ये समोसे बासी तो नहीं? नहीं तो? नहीं नहीं, आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि समोसे बासी है कि नहीं। देखिए मैं टेस्ट करके बताता हूँ। देखा मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं एक और टेस्ट करता हूँ। अब ये दो क्यों छोड़े हैं, ये भी खा लो। ओह थैंक यू, ग्राहक तो ऊपर वाले का रूप होता है, उसकी बात नहीं काट सकते। थैंक यू। मोटू अब तुम दुकान में नहीं बैठोगे, एक पार्टी का ऑर्डर है, इस टेम्पो में समोसे भरे हैं, पूरे 1000 समोसे हैं, इस एड्रेस पे ले जाओ। जय हो। भूख के मारे बुरा हाल है, जाओ जाके कुछ खाने को ले आओ। बस बस खाना खुद चल के यहाँ आ रहा है। खुशबू नहीं खाऊंगा, ठीक बात नहीं, नहीं खाऊंगा। यह गाड़ी के नीचे कौन आ गया? रुक जाओ, मैंने तो अभी चखा भी नहीं। अरे जान बनेगा जान, मैं खाऊंगा लड्डू पेड़ा, मुझको रोकेगा कौन? वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। पतलू चिंगम को लेकर जल्दी आओ, जॉन हमारा टेम्पो छीन के भाग गया है, मैं उसके पीछे हूँ। ये मोटू बहुत ही बहादुर आदमी है, देखो कैसे हमारा पीछा कर रहा है ना नंबर दो। ठीक हूँ, जॉन उधर गया है, सर उसका पीछा करो। चिंगम के चंगुल से बचना यम पॉसिबल। पहले पकड़ो फिर डायलॉग बोलना। तेज चला, इतना तेज नहीं कहा था। बॉस
पतलू ने क्या कारनामा दिखाया है, एकदम फिल्मी हीरो की तरह है ना। पतलू तुम्हारी बहादुरी को सलाम 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 सलाम, तुम दोनों को शत शत प्रणाम। अब प्रणाम ही करते रहोगे या पीछा भी करोगे? Why fear when मोटू पतलू आर देयर, वो देखो टेम्पो की छत पे कैसे सवार है, बस अब उन्हें जॉन को पकड़ने की देर है। मैं बेकार तुम्हारे साथ रिक्शे में आ गया। जॉन टेम्पो रोको, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। अरे कहाँ है पुलिस, उसे भी दिख रहा है। तुम दोनों मुझे नहीं पकड़ सकते। पतलू को शत शत प्रणाम, सलाम 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 सलाम। मोटू कहाँ गया? हाँ मोटू कहाँ है? बस अब और कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे प्रॉफिट से काट लेना। उड़ी बाबा, 1000 समोसा और मिठाई सब खा लिया, कितना जन्म से भूखा है रे। मारो इसे, मिठाई ये खा लिया और टेम्पो लेकर मैं भाग रहा था। शिवा मेरे एडवेंचरस एपिसोड देखो जियो सिनेमा पर, वो भी फ्री में। Yeah.
सर, अगर आपका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो ये दुनिया में तहलका मचा देगा। हम पे अरबों करोड़ों रुपए की बरसात होगी। अगर उससे पहले गवर्नमेंट को खबर लग गई तो हम सब इल्लीगल काम के चक्कर में अंदर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट पे पाबंदी लगाई है। आचार्य चतुर्वेदी से चतुर कोई नहीं। एक दिन मैं इन चिंपैंजीज को इंसानों की तरह बोलने लायक बना दूंगा। ये हमें समझते हैं, बस बोल नहीं पाते। मेरे एक्सपेरिमेंट से सब हमारी तरह ही बोलने लगेंगे, फिर सरकार भी मेरा लोहा मानेगी और हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मैं ये साबित करके रहूंगा कि चतुर्वेदी से चतुर कोई नहीं। बड़ा मजा आएगा। भूख लगी है शिवा। हा? मेरे सारे बनाना उसको खिला रहे हो, मैं क्या खाऊंगा? कहीं पेट भरने पर उसने हम सबको काट लिया तो? चुप करो यूडी, देखो बेचारा कितना भूखा है। कम कम बेबी आ जाओ। कम बेबी, डरो मत। कम कम, अरे तुम लोगों को एक चिंपैंजी बुलाना नहीं आता? आवाज में दम होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, देखो ऐसे। कम ऑन बेबी, I command you, come here. देखा, आ गया ना, मेरी गोद में ना सही तो तुम्हारी गोद में आ गया। एक ही बात है। बड़ी जोर से थप्पड़ मारी है। मुझे लगता है ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया है, इसलिए डरा हुआ है थोड़ा। इसको घर लेकर चलते हैं, बाद में सोचेंगे क्या करना है। ये इतना प्यारा चिंपांजी का बच्चा कहाँ से ले आए? ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया है, इसलिए मैं इसे घर ले आया। ये बहुत ही प्यारा है, मैं इसका स्वागत एक स्वागत राग से करता हूँ। स्वागत है तेरा, दो बेसुरों का मिलन। अरे ठहर शैतान, मेरा हारमोनियम वापस कर, वापस कर, इधर जल्दी जल्दी। ठहर जा शैतान, अभी देखता हूँ, मेरी जगह लेना चाहता है, अभी बताता हूँ। भीम सिंह, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। इस शैतान ने थोड़ी ही देर में जीना मुश्किल कर दिया है, यहाँ रहा तो क्या करेगा। शिवा बेटा, कल ही इसे जंगल में छोड़ देना। ओके नाना जी। अच्छा है ये गा नहीं सकता, वरना हारमोनियम बजा बजा के गाना भी गाने लगता, फिर नाना जी क्या करते। Oh, my God.
चिंपू बार बार उस तरफ इशारा क्यों कर रहा है? जरूर उस तरफ कुछ है। शायद उसकी फैमिली उस तरफ हो। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हे चिंपू, लेट्स गो। हमें दिखा उधर क्या है। जंगल के बीच में घर? जरूर अंदर कुछ है। अभी देखता हूँ। लड्डू सिंह जी को बुलाना पड़ेगा। क्या? मेरे इलाके में चिंपैंजी की चोरी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। शिवा, मैं अभी आया। आवाज कैसी है? चलो जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। वो देखो ऊपर का लड़का है, चलो पकड़ते हैं उसे। चलो दोस्त, यहाँ रुके तो हम भी पिंजरे में होंगे। उन्होंने मुझे देख लिया है। तुम लोग चुपचाप वहीं छुपे रहो, मैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूँ। रिवर में पीछा नहीं कर सकते। चिंपांजी कैद है और शिवा जंगल में गया है, उसके पीछे गुंडे पड़े हैं। अभी जाके सबको अरेस्ट करता हूँ। तुम सब यहीं रुको, मैं आया। तीन गिनती गिनूंगा, गेट खोल दो वरना गेट तोड़ दूंगा। एक, तीन गिनती गिनूंगा, भाग जाओ वरना। Hey!
सर जी, आज तो हल्ला बोल कर ही देते हैं। आपका नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ, केक तोड़ी डालो। चतुर्वेदी से चतुर कोई नहीं इंस्पेक्टर। मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि चिंपैंजी इंसानों की भाषा बोलने लगे। अब एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा, इंसान चिंपैंजी की भाषा बोलने लगे। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू आर अंडर अरेस्ट, समझे? फिर आप इन्हें बताओ मेरा नाम यूं ही फेमस नहीं हुआ, और ये भी बताओ कि मैं कितना खतरनाक हूँ। अभी तो वो खतरनाक लग रहा है सर। इंस्पेक्टर, कल से तुम पे एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तब तक आराम करो, चैन की नींद सो। चैन की नींद सो, आराम करो। अरे मजाक की भी हद होती है, मुझे चिंपैंजी बनाने वाले हो और कहते हो मैं चैन की नींद सोऊं। शिवा, कहां फंसा दिया मुझे? कहां हो शिवा? ये वही लड़का है, पकड़ो उसे। बदलनी होगी। अंकल, मैंने सुना है आपको चिंपैंजीज पसंद है, क्या आप मेरे चिंपू को भी रखेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वहाँ उस तरफ से। थैंक यू अंकल। कितना अच्छा बच्चा है, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड। देखा, थैंक यू बोला उसने। लेकिन वो है कौन और कहाँ से आया? ये वही लड़का है जो यहाँ जासूसी कर रहा था और हमारे आदमी चेस कर रहे थे। अरे, ये लड़का तो चतुर्वेदी से ज्यादा चतुर निकला। पकड़ो उसे, पकड़ो। शिवा, मेरा शिवा आ गया, मेरा शिवा आ गया। शिवा आ गया। चलो शिवा। Go!
सिर्फ एक बच्चे ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। अरे खिला पिला के तुम लोगों को बैल की तरह इसने बनाया है कि चुपचाप इसके डायलॉग सुनते रहो। मारो, एक्शन करो, एक्शन। शिवा, अरे मैं तुम्हारे साइड से लड़ रहा हूँ। सॉरी लड्डू सिंह जी। सबको गिरा दिया। अरे तुम बच्चे हो या कुछ और? कितनी मुश्किल से इतने गुंडों को यहाँ लाया था। नगीने हैं नगीने, चुन चुन के लाया था, लेकिन तुमने सबको खत्म कर दिया। शिवा, मैंने बाहर सबको खत्म कर दिया, तुम ठीक हो ना? अब ये कौन है? इसने भी बाहर सबको खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आई एम अंडर अरेस्ट, डू योर ड्यूटी। मुझे इन बच्चों से दूरी रखो, चलो जेल चलो जल्दी। मेरा सपना मिट्टी में मिला दिया इस बच्चे ने। रोना बंद करो और फॉरवर्ड मार्च। खुश रहना मेरे दोस्त, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं हूँ पतलू। जियो सिनेमा पर देखिए हमारे एपिसोड, वो भी फ्री में। ओह, ये डॉक्टर झटका कहीं भी कुछ भी रख देता है। ये सीढ़ी गोडाउन में रखी होनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। बचाओ कोई, सीढ़ी कहाँ गई? डॉक्टर झटका किधर है? बचाओ, मार सुटिया ओए। हम सिर्फ पूछा था कि किधर है, ये नहीं बोला था कि इधर आ जाओ। अरे घसीटे, मेरी सीढ़ी अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऊपर से बहुत जरूरी सामान निकालना है, देर नहीं कर सकता यार। बूढ़ी बाबा, बूढ़ी बाबा, लॉक से बिना सीढ़ी सामान निकालने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। लो, अब इतनी सारी किताबें यहाँ रखती, ये डॉक्टर झटका नहीं सुधरेंगे। नाना का खजाना, ये किताब तो काम की लगती है। कोई मार सुटिया पापड़ वाले नू, कमर तोड़ दी।
डॉक्टर झटका, ये किताब कैसी है? देखो इस पे लिखा है नाना का खजाना। लाओ देखूं, पता नहीं कहाँ से आई है। समुद्री खजाना, चलो हम ढूंढने चलते हैं। उड़ी पापा, हम तुम दोनों के साथ नहीं जाएगा, चाहे खजाना मिले या ना मिले। हाँ। मुझे भी समुद्र से डर लगता है, लेकिन अगर तुम दोनों खजाना हमारे साथ बराबर से बांटोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दवा दे सकता हूँ जिसे खा के तुम दोनों मछली की तरह पानी में सांस ले सकते हो, देख सकते हो, तैर सकते हो और बात कर सकते हो। यार क्या कह रहे हो डॉक्टर झटका, क्या ऐसा संभव है? हाँ ऐसा संभव है मेरे दोस्त, मेरे यार। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। नंबर वन कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैं भूख से परेशान हूँ, वो कुछ लाया क्यों नहीं? वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है? कविता को छोड़ो, कुछ रुपए का बंदोबस्त किया कि नहीं? भूख से परेशान हूँ। बस बस, ऐसी खुशी की खबर लाया हूँ कि सुन के यकीन नहीं होगा। खुशी की खबर? ये खुशी कौन है और मुझे खुशी से क्या मतलब है? अरे खुशी का मतलब है ऐसी खबर जिसे सुन के आप खुश हो जाओगे। मोटू पतलू के रहते मैं कभी खुश हो सकता हूँ? जो भी करता हूँ वो टांग अड़ा देते हैं। बस इस बार आप उनके काम में टांग अड़ाना। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। ये लो मेरी यार, मेरे पाई, ये फिश कैप्सूल खा लो और फिर तुम फिश की तरह ही समुद्र के अंदर सब काम कर सकते हो। ओए अब तुम दोनों तैयार हो? हम तैयार हैं। पुड़ी बाबा, 20 साल का तजुर्बा में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। वो एक बात और बतानी थी लेकिन याद नहीं आ रही यार। बाद में बता देना बड़े भैया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो याद आया, याद आया। अगर तुम लोगों को भूख लगे तो जो चीजें मछलियाँ खाती हैं, वो हर चीज तुम्हें अपने खाने जैसी लगेंगी। हाँ पुड़ी बाबा, इसका मतलब अगर इनको भूख लगी तो ये कच्चा मछली, झींगा, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पकड़ के खा लेगा। हाँ क्योंकि इनके अंदर मछली जैसे गुण आ गए हैं। वैसे मुझे तुम्हारी नहीं मोटू की चिंता है, उसे ही भूख ज्यादा लगती है ना यार। चिंता मत कीजिए, खजाना मिलते ही मैं मोटू को ऊपर ले आऊंगा। वो देखो नक्शे जैसी लोकेशन में हम आ गए। हम ठीक रास्ते में जा रहे हैं, इतनी सुंदर जगह है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये टीला नहीं ऑक्टोपस है। बचाओ, बचाओ! थैंक्स थैंक्स भाई, बड़े मौके पर आए हो, जोर से खींचो खींचो। थैंक यू, बच गए। धन्यवाद, हमें बचाने नहीं अपना शिकार बनाने आया था। बचाओ! ये क्या? ये तो पूरी फौज है, जल्दी कुछ करो मोटू। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ करो। हे ऊपर वाले, हमें खजाना नहीं चाहिए। हे ऊपर वाले, एक बार बचा ले फिर लालच नहीं करूंगा। बचाओ! बचाओ!
लाओ जी आपके पास। अब चलो अभी, इनको मार के क्या फायदा। शार्क बचाओ। वो देखो बास, मोटू कैसे शार्क्स को मार रहा है, वो कितना बहादुर है। फंसे हुए शार्क को मारना बुजदिली का काम है, जो आजाद शार्क को मारे जॉन उसका नाम है। वाह बास वाह, क्या कविता बनाई है बास। ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, आजाद शार्क्स को मार के अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिल गया बास, मौका मिल गया। खोलो खोलो जल्दी बचाओ। अरे बास बास, आप आजाद शार्क्स को नहीं मारोगे? क्यों मुझे मरवाना चाहते हो? हम खजाना ढूंढ रहे हैं, शार्क से लड़ने नहीं। बस करो मोटू, इतना गुस्सा ठीक नहीं, जल्दी से खजाना ढूंढ के यहाँ से भागते हैं। खाना ढूंढूं? हाँ हाँ, मुझे भूख लग रही है। खाना नहीं खाना नहीं, खजाना खजाना ढूंढो। समोसे, वाह वाह मजा आ गया। वो समोसे नहीं है, शार्क है। सुनो सुनो, डॉक्टर झटका ने कहा था कि वो आदम खोर आदमी दिख रहा है। अरे भागो भागो, बस बस, मोटू की बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं, वो देखो अकेले ही इतनी शार्क्स को मार मार के भगा रहा है। चुप कर, जब देखो मोटू की तारीफ करता रहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या फिर मोटू। चलो अब तुम्हारी भूख का भूत उतर गया हो तो खजाना ढूंढे। कमाल है, पता नहीं मुझे हर तरफ समोसे ही समोसे क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो डॉक्टर झटका की दवा कसर है। पतलू एक छोटा सा काम कर दो, वो खजाना मेरे नाम कर दो। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। कविता छोड़ो, खजाना छीनो। ओए अभी तक मोटू पतलू नहीं आया यार। ओए मार डाला, ये कहां से आ गया? उड़ी बाबा, ये वेल के पेट से कैसे निकला? बड़ा भैया सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, दरअसल वेल हमें निकल गई थी और साथ में खजाना भी, हमें तो फेंक दिया लेकिन खजाना खा के बैठ गई चोर कहीं की। खजाना उसी के पास है, वो देखो।
इंडिया की टीम को सिर्फ 4 रन चाहिए, लेकिन एक बॉल ही बची है। क्या वो एक बॉल पे 4 रन बना सकते हैं? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। ये क्रिकेट प्लेयर्स के मजे ही मजे हैं, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रिकेट खेल के तो करोड़ों मिलता ही है, एड्स में भी करोड़ों कमा लेते हैं। काश हम भी क्रिकेट प्लेयर होते तो हम भी स्टार होते, मुझे तो एड्स करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी। सोचो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऐड कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। वजन मुक्ति दवा, दवा अंदर वजन बाहर, जैसे कि मैं एकदम स्वस्थ शरीर की निशानी, वजन मुक्ति दवा। जी हाँ, मैंने भी इस दवा का सेवन किया है और आज मैं एकदम चुस्त दुरुस्त हूँ। वजन मुक्ति दवा, सेहत चुस्त तो दिमाग दुरुस्त। सांस रोके रोके थक गया। ये पैड पहन के तो मैं थक गया। क्यों ना हम भी क्रिकेट प्लेयर बने? हाँ हाँ, हम मोटू पतलू क्रिकेट लीग के नाम से क्रिकेट शुरू करते हैं और दुनिया को दिखा देंगे कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। चलो, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं। भाया बहुत अच्छा ख्याल है, मैं भी क्रिकेट खेलूंगा। हाँ, और समोसे कौन बनाएगा? अरे जब करोड़ों कमाने हैं तो समोसे बनाने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। अरे ये बॉल किसने मारी? अय्यामा, तुमने क्यों पूछा जी? हम तो गोली मारता, बॉल नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो, तुम में से किसी एक ने तो बॉल मारी होगी। हमसे गलती हो गई, अब दोबारा क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ हाँ, we are sorry। अरे सॉरी कहने की कोई बात नहीं, खेल खेल में तो हो ही जाता है। मुझे भी खेलना बहुत पसंद है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और पता नहीं जब मैं किक मारता हूँ तो फुटबॉल कितनी दूर जाती है। उड़ी बाबा, कितनी दूर? इधर आओ, सब लोग खड़े होके एक साथ उधर देखो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। खुदी जाके देख लो कि बॉल कितनी दूर जाती है। फिर कभी क्रिकेट खेला तो मैं अगली बार तुम्हारे साथ हॉकी खेलूंगा। कमर तोड़ दी। ओए कसम, मेरे मरीजों की, एक बार बॉक्सर मेरे क्लिनिक में आ जाए फिर ऐसा हाल करूंगा कि वो बॉक्सिंग करना भूल जाएगा। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ करना ही होगा यार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ इस जंगल में खेल सकते हैं, देखो कितनी अच्छी जगह है। उड़ी बाबा, जंगल में क्रिकेट, हमको तो डर लगता है। Why fear when Chingam is here? Chingam के चंगुल से बचना impossible, impossible। अब की कोई आया तो गोली मार दूंगा, मार 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 दूंगा। बिना बॉल फेंके ही एक विकेट गिर गया। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, दरवाजा खोल दे वरना फेंकूंगा बॉम्ब। ये क्या है, आजकल के जमाने में अली बाबा 40 चोर? ये तो अली बाबा 10 चोर लग रहे हैं। चिंगम सर उठो, अभी पुलिस की सख्त जरूरत है, उठो उठो। बीचक दाना दाने को मैं खाऊंगा, जल्दी से बंद हो जा वरना बम से तुझे उड़ाऊंगा। चिंगम सर पकड़ो, रोको उन्हें। वो कौन है वो? स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, कमांड यू। हाय चिंगम सर, ये गुफा डाकुओं का अड्डा है, हो सकता है अंदर खजाना हो। सब पीछे हट जाओ, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ। ओपन इन द नेम ऑफ लॉ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, दरवाजा खोल दो। डिंग डोंग बेल, पुसी इन द वेल, और क्या था? अरे ये तो नर्सरी राइम है, ये नहीं कहा था उसने, कहा था डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग, दरवाजा खोल दे वरना फेंकूंगा बॉम्ब। Yeah!
सब हमारा है, जो चाहे ले लो। तो चोरों के घर चोरी करने आए हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके मन में ये ख्याल आया है कैसे? नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। अभी के अभी सरेंडर कर दो। कर 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 दो। द नेम इज छिपर, छिपर सिंह। छिपर की गोली से बचना इम्पॉसिबल। कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। मेरा डायलॉग बोलता है। ओ छिब्बर, मेरे भाई, मेरे यार, बड़े भ्रा, हम तो जंगल में क्रिकेट खेलने आए थे, गलती से यहाँ आ गए यार। क्योंकि तुम गलती से यहाँ आ गए, इसलिए तुम सबको जीने का एक मौका देता हूँ। हमसे किसी भी चीज का मुकाबला करो। अगर जीत गए तो बाहर जाओगे, और अगर हार गए तो ऊपर जाओगे। निशानेबाजी का मुकाबला कैसा रहेगा? छिपर सर, ऊपर से नारियल गिराने का मुकाबला करना है क्या? शट अप, हम मजाक के मूड में नहीं हैं। मोटू कुछ करो जल्दी, वरना गए ऊपर। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, छिपर सर चलिए भागने का मुकाबला करते हैं, देखते हैं कौन तेज भागता है। उल्लू बनाते हो, यहाँ से भागना चाहते हो? लेकिन मेरी बंदूक की गोली से तेज नहीं भाग सकते। देखो, चलो क्रिकेट का मैच हो जाए। अगर हम जीत गए तो बाहर गए, और अगर हार गए तो ऊपर गए। ये क्रिकेट मैच क्यों रख दिया? डाकुओं से बचने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। ये डाकू है, इन्हें गोली चलाना आता है, चाकू चलाना आता है, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग करना कहाँ से आएगा? हम इन्हें आसानी से हरा देंगे। वेरी गुड आइडिया मेरे यार, अब लगता है हमारी जान बच जाएगी। क्रिकेट मैच? विचार तो अच्छा है, हमारा मन पसंद खेल क्रिकेट ही है। अरे उड़ी बाबा के बच्चे, तुमने तो हमें ऊपर उड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये क्या है? रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। अगर हमारे प्लेयर्स को आउट करने के लिए तुम्हारी उंगली उठी तो इस रिमोट पे मेरी उंगली दब जाएगी और तुम बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाओगे। टिंग टिंग। मैं अंपायरिंग कैसे करूँगा? अब सीताराम बॉल फेंक के आ रहे हैं और ये छक्का, और ये बार छक्का, एक और बार छक्का। मेरे बॉल को मोटू ने सुपर आते थी, इतना सुंदर कैच मोटू ने छोड़ दिया। बॉल जमीन पर टच कर ही नहीं रही है, ऐसा लगता है जैसे बॉल के पंख निकल आए हैं। पैर भी निकल आए हैं और ये मारा चौका, ये और छक्का, ये चौका, ये ये नो बॉल थी। बहुत ही भाग्यशाली है छिपर सिंह कि ये नो बॉल निकली। अगर ये नो बॉल नहीं होती तो अंपायर बहुत ही बदकिस्मत होते। और छक्का चौका छक्का, मैं तो थक गया छक्का चौका बोलते बोलते। छिपर सिंह की टीम ने कुल बनाए हैं 420 रन, ओवर्स खत्म हो गए हैं। अरे चिंगम जी, भाई आप अंपायरिंग बहुत ही क्लास करते हैं। हाँ। क्लास नहीं करता तो ब्लास्ट हो जाता। आई एम किधर फंस गया जी? अब तुम सब आउट दोगे, एक भी नो बॉल नहीं दोगे। ओके। अगर इस बार तुमने बेईमानी की तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओके जी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मार तो दोनों तरफ से ही खानी है। किधर किधर जाऊं? दोस्तों और साथियों को मेरा सलाम, मैं सरकार सिंह, आपका अपना प्यारा कमेंटेटर, फिर से एक बार आ गया हूँ। अंपायर चिंगम तैयार है, उन्होंने मेरे हाथ का रिमोट एक बार फिर देख लिया है। अब आ रही है मोटू बच्चों की टीम, बैटिंग करने वाले हैं डॉक्टर छक्का और छिपर सिंह ने बॉल डाली और आउट।
छक्का आउट होकर जा रहे हैं। ये पावर को बैट नहीं मार पाए तो अंपायर को मार दिया। इनकी शिकायत डाकू काउंसिल से की जाएगी और इन पे लाइफ टाइम बैन लगाया जाएगा। और चाय वाले आ रहे हैं, ये चाय वाले आए और ये गए। और मोटू की बैटिंग, मोटू ने गला घुमाया लेकिन ये क्या, ऐसा लगता है कि उन्हें बॉल दिखी ही नहीं। बॉल विकेट कीपर के हाथों में से एक बार फिर बॉल विकेट कीपर के हाथों में। मोटू बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मक्खी उड़ा रहे हैं। आउट। मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो पतलू। आइडिया। पतलू ने बॉल को समोसा खिलाया। बॉल फेंकी और छक्का। यकीन नहीं हो रहा, छक्का, एक और छक्का, एक चौका, छक्के पे छक्का। सब उल्टा सुलटा हो रहा है, कोई कुछ करता क्यों नहीं। इसमें बॉम्ब है, अगर तुमने शॉट मारा वो कमेंटेटर के हाथ से रिमोट का बटन दब जाएगा। ये क्या बॉल तेजी से मेरी तरफ आ रही है और मैं बाउंड्री के बाहर जा रहा हूँ। एक बॉल बची है और चार रन बनाने हैं। अब तुमने शॉट मारा तो सब मारे जाओगे। पतलू, कुछ समोसा बाकी है? मैं तो थक गया। बस इतना ही है। मैं हूँ पतलू। जियो सिनेमा पर देखिए हमारे एपिसोड को अभी फ्री में।